सूर्य और ईशान के तूफान में उड़ी पंजाब की टीम, 6 विकेटों से जीता मुंबई। मोहाली में आई सूर्य ईशान के छक्कों की बारिश और पंजाब से छीन ली जीत। पंजाब की टीम को उसी के घर में चटाई धूल, शिखर इस हार को भूल नहीं पाएंगे। आईपीएल 2023 का 46वां मुकाबला मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए, जिसमें जितेश शर्मा और लिविंगस्टन ने अहम भूमिका निभाई। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 6 विकेट के साथ ही 7 गेंद पहले जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस की शुरुआत में 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए थोड़ा लड़खड़ा गई, क्योंकि सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और बिना खाता खोले आउट हो गए। वहीं कैमरन ग्रीन 18 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं धीरे धीरे आस्किंग रन रेट तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की रेस में बनाए रखा, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी तेजी से रन बनाना जानते हैं और मैच का रुख बदलने का मादा भी रखते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा ही किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव 66 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ईशान किशन 75 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा कर ही दम लिया। जहां एक तरफ पंजाब किंग्स के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा ने पहली गेंद से ही रन बनाना शुरू कर दिया। जितेश ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 49 रनों की पारी खेल डाली। वहीं दूसरे छोर पर उन्हें लैम लिविंगस्टन का साथ मिला, जिन्होंने 82 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी में 7 चौके और 4 छक्के देखने को मिले। इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही पंजाब की टीम 200 रनों के लक्ष्य के पार कर सकी, लेकिन पंजाब के गेंदबाज इस विशाल लक्ष्य को डिफेंड करने में सफल नहीं हो सके और जितेश शर्मा और लिविंगस्टन की मेहनत बेकार हो गई और मुंबई ने मुकाबला आसानी से जीत लिया। हालांकि इस मुकाबले में पंजाब किंग्स कप्तान शिखर धवन से बड़ी चूक हो गई। उन्होंने इस मुकाबले में तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, जिसकी कमी इस मुकाबले में कप्तान को जरूर खड़ी होगी, क्योंकि 213 रनों को डिफेंस करते हुए पंजाब को हार का सामना करना पड़ा, तो इसे खराब गेंदबाजी ही कहा जाएगा। अर्शदीप सिंह से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वे इस मुकाबले में सबसे महंगे साबित हुई। उन्होंने 3 ओवरों में 2 विकेट लेकर 53 रन लुटा डाले और पंजाब की लुटिया डुबो दी। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।